हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर लाइफ। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास इंट्राडे स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डेली इंट्राडे वीडियो पे काम करते हैं एक दिन पहले, और साथ ही हम चर्चा भी करते हैं कि पिछले दिन के जो हमारे कॉल्स थे इंट्राडे के, उसमें क्या क्या इफेक्ट हुआ, क्या वो काम करे या नहीं करे। और कल के लिए भी कुछ पांच इंट्राडे स्टॉक मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ, आपकी एक खास बुलिश ट्रेंड के साथ देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस, चर्चा करेंगे, पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, आपको बताना चाहूंगा कि गाइज, इंडिया नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर जो कि ज़ेरोधा है, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रोकरेज डिटेल मैंने मेंशन की हुई है, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेड यानी कि डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं तो जीरो ब्रोकरेज लगता है, और अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो फ्लैट 20 रुपीज चार्जेस जो है वो लगता है। वैसे ही अगर बात करें फ्यूचर की, तो वहां पे भी फ्लैट 20 रुपीज, या और अगर ऑप्शन की बात करें तो वहां पे भी फ्लैट 20 रुपीज जो है चार्जेस लगता है। गाइज, बहुत ही मिनिमल चार्जेस है। अगर आप इसमें अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां पे जाके इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। अगर अकाउंट खोलने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें यहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले दिन के जो रिकमेंडेशंस थे उस पर चर्चा जरूर करते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे कल के जो कॉल्स थे उसमें 3 बाइंग साइड के थे और 2 शॉर्ट सेलिंग के थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी का परफॉर्मेंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करेंगे कि कल के लिए कौन से बेहतरीन स्टॉक है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो गाइज, आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है वरुण बेवरेज लिमिटेड, और आप इसके चार्ट को देखिए, ओवरऑली मैंने पूरा जूम आउट करके रखा है। और गाइज, मैं अभी जूम आउट चार्ट पे ही आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा, यानी कि दूर से पूरा हिस्ट्री चार्ट जो है उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जब मैं जूम इन कर देता हूँ तो पीछे का ट्रेंड आपको समझ में नहीं आता है। तो बेटर रहेगा मैं ऐसे ही काम करके आपको बताऊँ। गाइज, ओवरऑली अगर चार्ट को देखें, साथ ही अगर MACD और RSI को देखें, तो एक बुलिश ट्रेंड मोमेंट जो है हमें देखने को मिल रहा है। गाइज, ये 1 आवर का चार्ट है। गाइज, हम यहाँ पे जब शॉर्टलिस्ट करते हैं स्टॉक, तो 1 वीक का भी डेटा देखते हैं, 1 मंथ का भी डेटा देखते हैं, तो दोनों के डेटा देख के आपके सामने रखा जाता है। कल के दिन के लिए ये एक बुलिश मोमेंट स्टॉक है, आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके इंट्राडे ट्रेडिंग के डेटा की, जैसा कि हम डेली वीडियो में शेयर करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एंट्री पॉइंट बता दिया है। एंट्री पॉइंट है 692 से 694 के बीच में। ये गाइज, अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो इसके गैप में काम करिएगा, जैसा कि आप यहाँ पे डेटा देख पा रहे हैं। टारगेट आप देख सकते हैं 704 टू 706, ठीक है, गैप को समझ लीजिएगा आप। और स्टॉप लॉस भी आपको लगाना है 687 से 686 का। इंट्राडे के लिए कंसीडर करिएगा सिर्फ, अभी पोजिशनल के लिए इसमें कोशिश मत करिएगा। साथ में इस नोट को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। गाइस, अगर हम बात करें दूसरे स्टॉक की, तो वो हमने लिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, ब्रेकआउट दिख रहा है, मोमेंट जो है सभी सपोर्ट को तोड़ते हुए आप देख सकते हैं स्टॉक जो है ऊपर की ओर बढ़ चुका है। तो एक स्पीड जो है स्टॉक में आ गई है। आप अगर इसमें चाहें तो आप पोजिशनल भी ट्राई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर आप चाहें कल के लिए, तो इंट्राडे के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है हमें देखने को मिल रही है। MACD RSI भी सपोर्ट लेवल में है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सभी जो इंडिकेटर हैं वो अभी सपोर्ट में है, और बुलिश ट्रेंड है गाइज इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कल के दिन के लिए इंट्राडे में, ठीक है। एक बार इसके ट्रेंड को समझिएगा, पहले की 2 कैंडल को देख लेना एक बार, ठीक है। हो सकता है अगर स्टार्टिंग में बहुत ही बुलिश मोमेंट दे दे तो फिर इसको अवॉइड कर देना, बाद में इसमें एंट्री मत लेना, उसके बाद डाउन ट्रेंड भी दिख सकता है। तो कोशिश करिएगा कि आप मार्केट जब खुलता है तभी इसमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के अपना जो निवेश है इंट्राडे में वो कर पाएं। चलिए बात कर लेते हैं इनके डेटा की और समझ लेते हैं कि क्या रहेगा एंट्री पॉइंट और क्या रहेगा टारगेट। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, और एंट्री पॉइंट हमने लगाया हुआ है 209 से 210 के बीच में। आप टारगेट को देख सकते हैं, ज़्यादा मैंने नहीं रखा है, 6 रुपये का टारगेट रखा है। वैसे अगर बात करें स्टॉप लॉस भी ज़्यादा हमने नहीं रखा है, 6 रुपये का स्टॉप लॉस भी रखा है। गाइज, मैं स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रख रहा हूँ, उसका काम यही है कि अभी मार्केट जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल लग रहा है, तो स्टॉप लॉस जो है वो बहुत जल्दी हिट हो रहे हैं। हमेशा इस स्टॉप लॉस पे काम नहीं करना है, आपको स्टॉप लॉस कम रखना है। अभी के वॉलेटाइल मार्केट के हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा दूर ही रखिएगा, नहीं तो आपको बार बार नुकसान जो है वो हो सकता है। गाइज, मैंने यहाँ पे इंट्राडे और पोजिशनल दोनों के लिए आपको सजेस्ट किया है, जैसा कि बताया ब्रेकआउट मोमेंट है, अगर आप थोड़े दिन खींच लेते हैं इसको तो एक अच्छी प्रॉफिट जो है वो आपको इसमें देखने को मिल सकती है। अगर गैप अप हो जाता है नियर टारगेट प्राइस यानी कि 215 के पास आ जाता है मॉर्निंग ओपनिंग टाइम में, तो फिर स्टॉक को इंट्राडे में अवॉइड कर देना। गाइज, इस स्टॉक में पैसा कल मत लगाना। यहाँ पे मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा जरूर।
गाइज यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक हमने जो लिया है वो है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, और इस स्टॉक में भी आप देख सकते हैं कम्प्लीटली बुलिश मोमेंट है। लेकिन जो भी पोजिशनल ट्रेडर हैं इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस प्राइस पॉइंट को जब ये ब्रेकआउट करेगा ये चार्ट, ठीक है, उसके बाद इसमें पोजिशनल की सोचें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2 एंड यहाँ पे थर्ड टाइम ये इस लेवल पे आया है। अभी पता नहीं ये रिवर्सल भी हो जाए इस प्राइस पॉइंट पे जाके, ठीक है। ये चार्ट मैंने जूम आउट किया इसलिए बहुत सारा जो वैल्यू है आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितने प्राइस का गैप है, लेकिन आप अपने चार्ट में खोल के इसको अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, ठीक है गाइस। साथ ही बताना चाहूँगा कि 3 बार ये रेसिस्टेंट लेवल को टच करके डाउनफॉल हुआ है, तो हो सकता है कि अब ये जो है एक ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर बढ़े। अगर बार बार रेसिस्टेंट पे आके डाउनफॉल हो रहा है और फिर एक ब्रेकआउट के साथ ऊपर जाता है तो वो बहुत ही अच्छी मूवमेंट जो है वो अप ट्रेंड में देखने को मिलती है हमें, ठीक है गाइस। तो अब इसमें क्या करना है, कल के लिए इंट्राडे इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि चार्ट हमें एक बुलिश मोमेंट दे रहा है, मैंने पूरा इवोल्यूशन करके रखा है गाइस। तो अब समझ लेते हैं इसके एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट को कल के लिए क्या करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, एंट्री पॉइंट जो है वो 139 से 140 के बीच में रखना है, टारगेट ज़्यादा नहीं लगाना है, 4-5 रुपये का टारगेट लगा दीजिए गाइस। वैसे ही स्टॉप लॉस भी आप देख सकते हैं और मैंने यहाँ पे इंट्राडे प्लस पोजिशनल दोनों आपको बताया, ठीक है। लेकिन पोजिशनल के लिए आपको तभी जाना है जब ये एक ब्रेकआउट मोमेंट दे दे, ओके गाइस। ये जब रेसिस्टेंट लेवल से ब्रेकआउट मोमेंट देगा उसके बाद ही पोजिशनल कंसीडर करिएगा, हो सकता है ये रेसिस्टेंट से रिवर्स हो जाए, कल के दिन में हमें सब समझ में आ जाएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर गैप अप हो जाता है टारगेट प्राइस के आसपास तो इंट्राडे कल अवॉइड कर देना, इस नोट को एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा गाइस। गाइस यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक जो हमने लिया है वो है मैक्स फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक अच्छा बुलिश मोमेंट देखने को मिला है, एक बार ये हाई जाके भी आया है फिर डाउनफॉल हुआ है, लेकिन अभी फिर से एक अच्छा बुलिश मोमेंट देखने को मिला है आज के दिन में, कल भी ये बुलिश ट्रेंड जो है हमें देखने को मिले और एक अच्छी मूवमेंट अप ट्रेंड की ओर दिख जाए। गाइज आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये स्टॉक अगर आप इंट्राडे में लेते हैं तो मार्केट खुलते ही इसमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, अगर आपको नहीं मिल पाती है अपॉर्चुनिटी एंट्री करने की तो फिर इसको अवॉइड कर देना, क्योंकि ये उतना ही रिस्की है जितना इसमें प्रॉफिट आपको मिल सकता है, क्योंकि ये जो है उसके सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है, बहुत ही डाउन जाके वापस हाई बन चुका है, तो उसके हिसाब से काम करना है। इंट्राडे में गाइज मैं आपको फिर बताना चाहूँगा 5 से 6 रुपये की प्रॉफिट मिल जाती है तो एग्जिट ले लिया करो, ज़्यादा लंबा खींचोगे तो डाउनफॉल हो जाएगा स्टॉक, फिर आप नुकसान में रहोगे। हाँ वो बात अलग है कि कई बार इंड्यूशन बैंक जैसे 30 पॉइंट 40 पॉइंट भी देखे जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें हर बार नहीं होती हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आपको 5 से 6 पॉइंट मिल रहे हैं इंट्राडे ट्रेड में तो बहुत है गाइस, बहुत है वो चीज़, ठीक है, ऐसे समझ के काम करिएगा, हमेशा सेफ साइड रहिएगा, लालच बिल्कुल मत करिएगा अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओके। तो चलिए समझ लेते हैं इसके डेटा को भी। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, साथ ही टारगेट स्टॉप लॉस आप देख लीजिए, टर्म मैंने सिर्फ इंट्राडे लिया है, इसमें मैंने पोजिशनल नहीं बताया क्योंकि ये ऑलरेडी हाई लेवल पे अभी ट्रेड हो रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद हम इसमें सोच सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो अभी मैंने यहाँ पे फिलहाल पोजिशनल नहीं लगाया है, फिलहाल सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहे हैं हम, और अवॉइड करना है मैंने बोला है यहाँ पे कि नॉट अवेलेबल, यानी कि ये गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट खुलते ही देखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट अवेलेबल जो है वो मेंशन किया है, नोट को पढ़ लीजिएगा गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर कि कौन सा है आखिरी स्टॉक कल के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टॉक हमने जो लिया है वो है ICICI बैंक, और इसको लेने का एक रीज़न है, एक सेंटिमेंट रीज़न है आप बोल सकते हैं, कि आज जो ICICI का ट्रेंड था, अगर आपने देखा हो कल मैंने ICICI का शॉर्ट सेलिंग के लिए आपको कॉल दिया था, ठीक है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि इसमें बाइंग साइड जाना है, क्यों, क्योंकि कल ICICI बैंक में एक न्यूज़ आई थी, न्यूज़ अपडेटेड थी, कोई मैंने आपको टेलीग्राम में भी भेजा था, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, और उस न्यूज़ के कारण ICICI बैंक जो है वो बुलिश ट्रेंड दिखा सकती थी आज के दिन में, लेकिन ICICI बैंक में सेलर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हावी थे, यानी कि बियरिश ट्रेंड भी हावी रहा और बुलिश भी हैवी रहा, तो दोनों के कंपैरिजन में ICICI आज जो है एवरेज व्यू देखे गया है, लेकिन ये न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है आपको कल देखने को मिल जाए, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हो सकता है कल आपको प्री ओपन मार्केट में भी दिख जाए या फिर मार्केट खुलने के बाद। जैसा कि आप जानते हो ICICI जब आज प्री ओपन में खुला तब 6 से 7 रुपये प्लस में था, लेकिन जैसे ही वो खुल गया सब अपनी प्रॉफिट बुक करने लगे और ये डाउनफॉल होने लगा, ठीक है, आपने नोट किया होगा अगर ICICI बैंक आपकी वॉच लिस्ट में है, ओके गाइस। तो अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि कल हो सकता है ICICI बैंक एक अच्छी मोमेंट दे जाए, मैंने कल SBI का भी बोला था आपको, तो SBI आप देख सकते हो आज उसने बहुत ही ज़्यादा हाई बना दिया, इतना हाई बहुत दिनों के बाद बनाया है SBI ने, अगर आपने नोट किया हो, ठीक है, कल की वीडियो में ही हमने SBI को सजेस्ट किया था, तो SBI ने अच्छा परफॉर्म किया है,
अभी मैं आईसीआईसी को बोल रहा हूँ, हो सकता है कल आईसीआईसी बहुत ही अच्छी ग्रोथ दे दे, तो आप चाहें तो इसमें पोजिशनल भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डाउन लेवल पे है गाइज। आप देख लीजिए, ये लेवल देखिए आप, और यहाँ पे ये लेवल देखिए, ठीक है। पोजिशनल के लिए जा सकते हैं 1-2 महीने के लिए, और साथ ही अगर आप चाहें तो इसको कल आप इंट्राडे के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके डेटा को और समझ लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिए, मैंने डेटा जो है इंसर्ट कर दिया है पूरा। 371 से 372 इसका एंट्री पॉइंट रहेगा, और अगर बात करें टारगेट की तो 377 से 378। लेकिन गाइज अगर गैप अप हो जाता है तो आपको इसके गैप को समझ के काम करना है, ठीक है। जैसे कि मैं हर स्टॉक में आपको बताता हूँ, स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं गाइज क्या गैप में मैंने रखा है, और सिर्फ इंट्राडे के लिए अभी मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन गाइज यहाँ पे मिस कर दिया मैंने, पोजिशनल भी लिख देता हूँ, मैंने टाइप नहीं किया होगा। पोजिशनल के लिए भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, 2 मंथ्स मिनिमम होल्डिंग रखना है आपको, ठीक है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए खींच रहे हैं, पोजिशनल के लिए ले रहे हैं तो। ओके, गैप अप नियर टारगेट अगर हो जाता है, यहाँ तक खुल जाता है, तो फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा, इंट्राडे बिल्कुल मत करिएगा। थोड़ा अगर गैप अप होगा तो चलेगा, लेकिन सीधा टारगेट हिट करके प्लस पॉइंट में आ गया तो फिर वही ड्रामा हो जाएगा आईसीआईसी बैंक में, कि गैप अप हो जाएगा, फिर सभी अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे, और ये धीरे धीरे पूरा दिन नीचे ही आता रहेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान से काम करिएगा, नोट को एक बार पढ़ लीजिए। तो गाइज ये लास्ट रिकमेंडेशन था इस वीडियो का, और अब बात कर लेता हूँ थोड़ी एडवर्टाइज यूडी ट्रेड की भी, कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर कर ले, वहाँ पे हम चर्चा करते रहते हैं किसी भी खास स्टॉक में, और साथ ही लाइव मार्केट में भी बात होती रहती है। ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, साथ ही अगर चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। गाइज मैं बताना चाहूंगा कि जो यूट्यूब स्टेटिक्स होते हैं जिसको हमने निकाला है, मैं कभी आपके सामने रखूंगा भी वीडियो में, तो गाइज हमने उसमें नोटिस किया है कि 100% जो व्यूअर हैं हमारे, उसमें सिर्फ 20% जो है उन्होंने सब्सक्राइब किया है, 80% सिर्फ हमारी वीडियो देख रहे हैं और डेली देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। गाइज बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि ये सब एनालिसिस करके फिर आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करता हूँ, कोई आंख बंद करके काम नहीं कर रहा हूँ गाइज। तो इतनी रिक्वेस्ट रहेगी छोटी सी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ गाइज आपसे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी और काम करने की जो है वो इच्छा होती रहे आगे। ओके, चलिए गाइज मिलते हैं इसी के साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।